हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ रासीद शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई सीरीज जिसका नाम है शी। इस सीरीज को क्रिएट किया इम्ताज अली ने और इसे डायरेक्ट किया आरिफ अली और अविनाश दास ने। इस सीरीज में आपको तकरीबन 7 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड के लगभग 39 मिनट से लेकर 32 मिनट के बीच में ये। अगर इसकी स्टार कास्ट की बात करूं तो इसमें हमें नजर आती है अदिति, फोहनकर, विजय वर्मा और विश्वास कीनी। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, जिनको सस्या नाम के क्रिमिनल को पकड़ना है। अब उनके पास प्रॉब्लम यह है कि सस्या नाम के 3 लोग मार्केट में घूम रहे हैं। अब उसमें से रियल सस्या कौन है ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर किसी फेक सस्या को पकड़ लेंगे तो बाकी के 2 सस्या चौकन्ने हो जाएंगे और वो फरार हो जाएंगे। लेकिन सस्या की कमजोरी है प्रोस्टिट्यूट। तो इस वजह से वो लोग अपने एक फीमेल एवरेज कांस्टेबल को प्रोस्टिट्यूट बना के सस्या के पास भेजते हैं देखने के लिए कि रियल है या फेक है। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको एक सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है शी। अब मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज मुझे कैसे लगी। तो इस सीरीज की बात करूं तो कहानी मुझे अच्छी लगी, ज्यादा बेटर तो नहीं लगी, हाँ कहानी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा तीनों ही एक्टर्स की, चाहे वो अदिति फोहनकर हो, विजय वर्मा हो या विश्वास कीनी हो। लेकिन यहाँ पर एक नाम मुझे जो मेरे जहन में बहुत ज्यादा आ रहा है वो है अदिति फोहनकर का। अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी सीरीज उन्हीं के कंधों पर है और उन्होंने बहुत ही शानदार काम करके दिखाया। स्पेशली जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवर किया, जो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन है और वो जो एक्सेंट उन्होंने यूज किया एक मराठी लड़की का, यार बहुत जबरदस्त लगता है। उसके अलावा विजय वर्मा की बात करें तो विजय वर्मा ने यहाँ पर रोल प्ले किया क्रिमिनल सस्या का, तो वो जो हैदराबादी एक्सेंट में जो पूरे डायलॉग बोलते हैं ना यार, वो बहुत ही कमाल लगता है। और कुछ कुछ जगह पे आपको फनी भी लगता है, कुछ कुछ जगह पे एकदम अजीब सा भी लगता है। और विश्वास कीनी की बात करें तो विश्वास कीनी का भी काफी मेजर रोल है, यानी कि स्टार्ट से एंड तक वो आपको हर एक एपिसोड में नजर आएंगे और उन्होंने भी काम बहुत ही अच्छा करके दिखाया। वो इंस्पेक्टर का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। खैर, इस सीरीज को अगर ओवरऑल नजरे से देखा जाए तो ये सीरीज आप घर पे तो देख सकते हो, लेकिन अकेले मोबाइल पर देख सकते हो। ये सीरीज आप बच्चों के साथ बैठकर नहीं देख सकते हो, ना ही फैमिली के साथ देख सकते हो, क्योंकि इसमें काफी एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे, काफी एडल्ट डायलॉग सुनने को मिलेंगे और एक ब्रूटली मर्डर भी देखने को मिल जाएगा। तो बस कुल मिला के ये सीरीज को आप इस हफ्ते इंजॉय कर सकते हो अगर आप मोबाइल पे देखोगे तो। तो बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी ऑल का ऑप्शन दबा देना और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। तो बस आज काफी मल्टीपल वीडियोस बनाने का, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना।